सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द थिंकर्स थिंक्स और दबाइए इस बेल आइकन को सबसे तेज जीके अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर थिंक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन CBT2 एग्जाम के लिए डीजल मैकेनिक के Class-2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने Class-1 में पढ़ा था, मेन पार्ट ऑफ एन इंजन हम लोगों ने शुरुआत की है, जिसमें हम लोग सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल सम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं Class-2 और आज के हम लोग पार्ट पढ़ते हैं। आज के हमारे कौन कौन से पार्ट मेन पार्ट ऑफ एन इंजन टॉपिक के रह गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये इंटरनल कम्बसन इंजन का आपको ये जो डायग्राम है वो अपने माइंड में बिल्कुल सेटअप कर लेना चाहिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये पार्ट आ जाता है पिस्टन कनेक्टिंग रॉड, ये, और दोस्तों पिस्टन पिन और पिस्टन रिंग भी आज हम लोग पढ़ लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये कन्फ्यूजन सा टर्म बन गया है आपके लिए, इमेज से आपको कैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि किस तरह से ये वर्क कर रहा होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन में इसको दिखाता हूँ, ठीक है, और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इंटरनल कम्बशन इंजन का मैंने आपको एनिमेशन दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर आपका फ्यूल आ रहा है, जिसको पिस्टन कंप्रेशन की सहायता से क्या कर रहा है, जो केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है, उसको आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जो आज पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये जो वर्क, ये पॉइंट आपको जो सिल्वर कलर का यहाँ पर जो दिख रहा है, ये है पिस्टन। तो दोस्तों पिस्टन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और पिस्टन के ऊपर ही दोस्तों यहाँ पर, इसके ऊपर यहाँ पर रिंग लगी होती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, पिस्टन पिन के बारे में। और दोस्तों जो पिस्टन यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड से यहाँ पर जुड़ा होता है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड आ रही है, तो दोस्तों उसके में जो आपकी पिन लगती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों ये कनेक्टिंग रॉड है जो ये इसको घुमा रही है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों ये क्या करती है, ये देखिए ऊपर नीचे चल रही है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी प्रत्यागामी गति, ठीक है। इससे ये क्या होता है, प्रत्यागामी गति जो यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड लगी है उसकी सहायता से ये क्या होता है, वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन में ट्रांसफर करती है। जैसे गाड़ी, जिस गाड़ी में ये इंजन होता है, वो गाड़ी का पहिया क्या होता है, चलने लगता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब आप लोगों को मैं अपने मेन टॉपिक पर ले चलता हूँ फिर से, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने इसी डायग्राम को एक एनिमेशन के रूप में देखा, तो आप लोगों की कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत कम हो गई है किस तरह से पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, जो कि एक क्या होता है, कंप्रेशन से जो केमिकल एनर्जी आती है उसको केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस एक आपके लाइक से हम काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से बता सकें आगे और जल्दी से जल्दी ये वीडियो ला सकें। तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्लास की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिस्टन और दोस्तों कनेक्टिंग रॉड, और पिस्टन के ही दो पार्ट हैं, और पिस्टन रिंग और पिस्टन पिन, तो वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये दोस्तों सिलेंडर हेड है, सिलेंडर ब्लॉक, ये मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी पढ़ा दिया था, ठीक है। इसके बाद के जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो बचे गए हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे सारे, ठीक है। तो आपका एक टॉपिक मेन पार्ट ऑफ एन इंजन वहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले आज का जो हमारा पहला पार्ट है दोस्तों, तो वो हमारा क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला पार्ट है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, वो उसका नाम है पिस्टन। दिखने में इस तरह से होता है पिस्टन। अब दोस्तों इसके क्या प्रिंसिपल है, क्या इसकी थ्योरी है, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। पिस्टन दोस्तों दिखने में, देखिए यहाँ पर एक और मैंने आपको इमेज दिखाई, यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट है ना वही पिस्टन है, ठीक है। अब दोस्तों पिस्टन का वर्क क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो पिस्टन होता है ना, वो इंजन का महत्वपूर्ण भाग है, जो फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा को कंप्रेशन की सहायता से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। यही मैंने आपको पिछले पॉइंट में बता चुका हूँ, एनिमेशन में भी यही बोल रहा था। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो पिस्टन रहता है वो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं उसको, और इसकी परिधि पर पिस्टन रिंग लगी होती है। तो दोस्तों पिस्टन रिंग क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी जो सर्कमफेरेंस होती है उस पर क्या फिट होती है, पिस्टन रिंग लगी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है, जब पिस्टन सिलेंडर में ऊपर नीचे चलता है तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रॉड द्वारा क्रैंक शाफ्ट के वृत्तीय गति में परिवर्तित होता है, जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम से गाड़ियों के पिछले पहिए को गति प्रदान करता है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं कि
पिनियन की जो दक्षता होती है, कैपेसिटी होती है, वो पिस्टन की कार पर ही निर्भर करती है। ठीक है, अगले और कुछ पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं इन पिस्टन के बारे में दोस्तों। तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच जो होता है फ्रिक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घर्षण, वो कम होना चाहिए। और दोस्तों एक और पॉइंट आपका आता है कि उच्च दबाव तथा तापक्रम पर कार्य करने की क्षमता पिस्टन में होनी चाहिए, यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो उस पर भी पिस्टन क्या करे, वर्क कर सके। ठीक है, ये उसकी कैपेसिटी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर रॉ मटेरियल आपको जिससे ये बनाए जाते हैं वो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों जो पिस्टन होता है वो कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि ये सिलेंडर के अंदर टाइट प्लग की तरह कार्य करता है, जिससे अधिक दाब की गैस कंबशन चैम्बर के क्रैंक केस से लीक नहीं करती। ठीक है, अब क्रैंक केस क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। यहाँ पर एक और पॉइंट है आपके इसके बारे में बताता हूँ कि फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है, जो पिस्टन आगे पीछे करता है, तो केमिकल एनर्जी से दोस्तों प्रेशर बन जाता है, तो उसे ये ग्रहण करता है और क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाता है। तो वहां पर क्या हो जाती है, सर्कुलर मोशन ट्रांसफर होती है, जिससे क्या होता है जो गाड़ी का व्हील होता है, पहिया होता है, वो घूमने लगता है। ठीक है, ये और कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे के लिए गाइड तथा बैरिंग का कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका एक और पॉइंट आता है दोस्तों कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के छोटे छिद्र को गजन पिन से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब गजन पिन क्या होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वहां पर हम लोग जब पिस्टन पिन पढ़ रहे होंगे तो गजन पिन के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखने वाला पॉइंट ये है कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के जो छोटा छिद्र होता है उसको गजन पिन से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है जो आपका एक पार्ट है पिस्टन रिंग। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पिस्टन रिंग यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये पिस्टन है, इसकी जो सर्कमफेरेंस है या परिधि बोलते हैं यहाँ पर, तो इसमें ये जो फिट है उसको बोलते हैं पिस्टन रिंग। एक्सटर्नली भारी रूप से ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब दोस्तों पिस्टन रिंग के क्या प्रिंसिपल है, क्या थ्योरी है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो पिस्टन की परिधि पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी सर्कमफेरेंस में इसके खांचों में लगी रहती है, जिन्हें पिस्टन रिंग कहती है। अब दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, कंप्रेशन रिंग। दोस्तों ये क्या करती है, ये गैस दाब को सील करती है, जो कंप्रेशन रिंग होती है वो गैस दाब को सील करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी आती है वो है ऑयल रिंग, जो स्नेहक तेल को ऊपर जाने से रोकता है, जो लिब्रिकेशन ऑयल होता है उसको ऊपर जाने से रोकता है, क्या, ऑयल रिंग। ठीक है, दो प्रकार की होती है। अगला जो आपका आता है पॉइंट कि पिस्टन रिंग किससे बनी होती है, दोस्तों ढलवा लोहा की मिश्र धातु की बनी आयताकार सेक्शन की चूड़ी की तरह गोल होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर रॉ मटेरियल याद रखना है, जो उसका ढलवा लोहा होता है उससे ये बनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑयल रिंग होती है दोस्तों उसमें छिद्र होते हैं जिसने स्नेहक तेल निकलता है, स्नेहक तेल मतलब लुब्रिकेशन ऑयल निकलता है, ऑयल रिंग होती है उसमें से छेद होते हैं, उसमें से क्या निकलता है, लुब्रिकेशन ऑयल निकलता है। ठीक है, और भी कुछ जानते हैं पिस्टन रिंग के बारे में दोस्तों, पिस्टन रिंग के जो वर्क है वो किस तरह का वर्क है, ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच प्रेशर सील बनाए रहती है। ठीक है, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, जिससे कंबसन चैम्बर की हाई प्रेशर गैस क्रैंक केस से लीक नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका वर्क आता है दोस्तों, जो पिस्टन हेड होता है उससे सिलेंडर की दीवार में ऊष्मा बहने के लिए रास्ता बनाने देता है, क्या, पिस्टन रिंग आपका। ठीक है, अगला जो आपका वर्क आता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का वहाव कंट्रोल करती है, फ्लो ऑफ जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, स्नेहक तेल होता है, उसका जो फ्लो होता है उसको कम करने की कोशिश करती है और इन्हें कंबसन चैम्बर जाने से रोकती है, क्या, पिस्टन रिंग आपकी। ठीक है, अब आपका दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, इमेज से देख लीजिए और अच्छे से याद हो जाए, कनेक्टिंग रॉड रियल लाइफ में इस तरह से दिखती है आपकी, और अगर इसकी ड्राइंग बनाएंगे तो आप इस तरह से दिखेगी। ठीक है, अब कनेक्टिंग रॉड का वर्क क्या होता है, क्या थ्योरी है, तो हम लोग जान लेते हैं। इस तरह से भी दिख रही होगी, साइड में आपको दिख रही होगी। तो कनेक्टिंग रॉड जो होती है दोस्तों वो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एनिमेशन में समझाया था किस तरह से वो सर्कुलर मोशन क्रिएट कर रही थी, जो आपकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन थी वो किसकी वजह से सर्कुलर मोशन में ट्रांसफर हो रही थी, वो आपकी थी कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है। इसका छोटा सिरा जो होता है वो पिस्टन से जुड़ता है, यानी ऊपर वाला जो होता है वो पिस्टन से जुड़ता है, और बड़ा सिरा जो होता है इसका, बड़ा सिरा लास्ट एंड ये आपको जो दिख रहा है वो किससे जुड़ता है दोस्तों, क्रैंक पिन से जुड़ता है। ठीक है, अगला दोस्तों आता है कि यह पिस्टन की रेखीय गति को, यानी जो लीनियर मोशन होता है उसको क्रैंक शाफ्ट के वृत्ति गति में बदल देता है। यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था कि जो उसकी लीनियर मोशन होती है उसको किस में कर देता है, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है, क्या, आपका कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है कि कनेक्टिंग रॉड आई सेक्शन की बनी होती है। ठीक है, आई सेक्शन होता है दोस्तों, आई सेक्शन की बनी होती है और फोर्ज्ड स्टील की बनाई जाती है। आपको रॉ मटेरियल याद रखना है, फोर्ज्ड स्टील की बनाई जाती है आपकी कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है कि कनेक्टिंग रॉड के छोटे छिद्र में गोल बेयरिंग तथा बड़े छिद्र में फ्लैट बेयरिंग लगा रहता है। इसका जो गोल छिद्र है, छोटा छिद्र है, उसमें गोल बेयरिंग लगी रहती है और बड़े छिद्र में
फ्लैट बेयरिंग लगी रहती है। ठीक है, इतना सा आपको समझ में आया। और दोस्तों इसके वर्क के बारे में जान लेते हैं। कनेक्टिंग रॉड मजबूत सुदृढ़ होना चाहिए। सुदृढ़ मतलब दोस्तों होता है बहुत ही ज़्यादा रिजिड बॉडी होना चाहिए, ठीक है, ताकि मुड़ ना सके, और हल्की भी होनी चाहिए ताकि रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण कंपन ना हो सके, वाइब्रेटिंग ना हो सके। ठीक है, अब दोस्तों एक और बात इसके बारे में जान लीजिए कि कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा पिस्टन के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, और जो कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा होता है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ ऊपर नीचे होता है। ठीक है, इतना सा आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी ये। कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा पिस्टन के साथ ऊपर नीचे होता है और कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा क्रैंक शाफ्ट के साथ ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है वो है पिस्टन पिन, जिसको हिंदी में आपको गजन पिन भी बोलते हैं। जहाँ पर आपका एक वर्ड आया था गजन पिन, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई होगी कि गजन पिन के बारे में मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पर पिस्टन पिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें गजन पिन भी है। तो गजन पिन यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इसी को बोलते हैं गजन पिन या रिस्ट पिन। ठीक है, अब दोस्तों गजन पिन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। पिस्टन पिन कोट गजन पिन या रिस्ट पिन भी कहते हैं। पिस्टन पिन को क्या कहते हैं? गजन पिन या रिस्ट पिन भी कहते हैं। जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया, ये पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड मैंने आपको दिखाई थी उसके छोटे सिरे से जोड़ती है, क्या गजन पिन या पिस्टन पिन। अगला जो आपका पॉइंट आता है कि जो पिस्टन पिन होती है ना वो अधिकतर क्या होती है, हॉलो सेक्शन की होती है, खोखली होती है। ठीक है, आपको जैसे कि इमेज में दिख ही रहा होगा कि खोखली है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है, ये स्टील की बनाई जाती है, इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो स्टील होता है। इसकी सतह को केस हार्डनिंग द्वारा हार्ड कर देते हैं जिससे ये घिसाव अवरोधी हो जाती है, यानी इसमें कोई घिसाव नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें केस हार्डनिंग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों हमारे यहाँ पर चार पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक वीडियो और आपका और आएगा जिससे हमारा मेन पार्ट ऑफ एन इंजन का पहला टॉपिक आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर के एक सीरीज और लेकर आएंगे जिससे कि आपके बिल्कुल कन्फर्मली बहुत अच्छे से इसको याद हो जाए ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा ना दोस्तों तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ताकि हम लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं ताकि आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो जल्दी से जल्दी ला के सकें। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिन लोगों का ALP CBT-2 टेक्नीशियन का एग्जाम है, जिन्होंने मैकेनिकल डीजल की ट्रेड भरी है उनको शेयर कर दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना GK और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।